हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लीना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लिव लाइफ विथ लीना में। और सुबह सुबह मैंने बहुत सारा काम ख़त्म कर लिया है और अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ घर पे। और आज मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है क्योंकि आज का दिन है बहुत स्पेशल। आज है रथ यात्रा और हमारे उड़िया में तो ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और पूजा त्यौहार के दिन में तो घर और बाहर घर में पोछा लगाया जाता है और बाहर में पानी डाल के अच्छी तरह से धो लेती हूँ। बाहर का सारा काम ख़त्म करके मैं चली गई थी नहाने और नहा के आके जल्दी जल्दी से मैंने पूजा ख़त्म कर ली थी। आज रथ यात्रा है तो हम लोगों जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके शाम का टाइम पे तो जाना ही बनता है रथ यात्रा के लिए। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म कर ली थी। और पूजा ख़त्म करने के बाद सबसे पहले चाय बनती है। ससुर जी इंतज़ार करते रहते हैं चाय का, तो सबसे पहले चाय बना ली थी। चाय बनाने के बाद हम लोग सब बाहर बैठ के चाय ही पी रहे थे और हमारी मेड यहाँ पर झाड़ू करने के लिए गेट खुला रख देती है तो सारे ये बाहर के डॉग्स हैं वो अंदर आ जाते हैं कुछ कुछ खाने के लिए। तो आद्या यहाँ उनको बिस्किट दे रही थी, वो खा रहे थे। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, मुझे अपने घर का कुछ कुछ काम करना था। आज त्यौहार के दिन में तो घर में बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ता है और मैं यहाँ बेडशीट चेंज करके एक नया सा बेडशीट लगा रही थी। त्यौहार के दिनों में अच्छा लगता है कुछ कुछ नया करना, तो मैंने यहाँ नया वाला बेडशीट लगा लिया था। एंड यहाँ बेडशीट लगाने के बाद मैं सारे कपड़े को जल्दी जल्दी से फोल्ड कर दूँगी। सुबह सुबह मेरा वही बड़ा काम रहता है, जो सारे कपड़े दिन भर पड़े रहते हैं उन सबको मैं सबसे पहले फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते मुझे। और यहाँ मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे, अब इन सबको मैं लेके अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। मैं सारे कपड़े अलग अलग फोल्ड कर देती हूँ, सबके अलग अलग सेल्स में रखा जाता है। और आधे के नए वाले कपड़े जो पैकेट्स में निकले हुए थे मैं इन सबको पैकेट्स में करके दोबारा से उनकी जगह पे रख लूँगी। दिन भर का सारा काम ख़त्म करके हम लोग चले गए थे शाम को घूमने और अभी ये शाम का टाइम है। एकदम घूम के आने के बाद 6-6:30 बजे का टाइम है और मैं चली गई थी भिगो के थोड़ी सी इमली। और यहाँ आके मैं इमली का पल्प निकाल रही हूँ क्योंकि मैं बना रही थी कचौड़ी और कचौड़ी के साथ खट्टी मीठी चटनी या फिर जिसे सौंठ भी बोलते हैं वो मैं बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये इमली का पल्प निकाल लिया है। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक और ये सांधा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सौंठ का पाउडर या फिर ड्राई जिंजर जिसे बोलते हैं और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इन्हें चढ़ा दूँगी गैस पे और एक उबाल आने तक हाई फ्लेम में दूँगी। उसके बाद लो फ्लेम करके इन्हें अच्छे से पकने दूँगी, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होने दूँगी। और यहाँ मैंने चढ़ा लिया है अपने सौंठ और ये पकती रहेगी। इसमें मैं थोड़े से काजू के पीसेस काट के डाल दे रही हूँ। और यहाँ कचौड़ी के लिए मैं लगा रही हूँ आटा। यहाँ मैंने करीब 4 कप मैदा लिया है, उसमें मैं थोड़े से हाथ में ही क्रश करके डाल लूँगी अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे पास घी था नहीं इसलिए मैं ऑयल ले रही हूँ, आप अगर घी लेंगे तो बढ़िया है। और थोड़ा सा ऑयल लेके मैं इन्हें अच्छी तरह से हाथ से मोइन करूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं एक ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा हार्ड नहीं इस कंसिस्टेंसी का एक मीडियम डो बनाऊँगी जिसका मैं कचौड़ी करूँगी और साथ ही साथ मैं गुजिया भी बनाने वाली हूँ, ये मेरे प्लानिंग में पहले से था। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी आटा लगा ले रही हूँ।
यहाँ मैंने बढ़िया सा आटा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, एकदम मीडियम डो मैंने लगा लिया है। और अभी गर्मी का सीज़न है तो जाहिर सी बात है आटे को थोड़ा रेस्ट देना है। करीब 2 घंटे तक मैं रेस्ट दूंगी, उसी दौरान मैं इसका जो स्टफिंग बनाऊंगी और उसी दौरान मैं इसे एक गीला कपड़ा, एक कॉटन का कपड़ा गीला करके, डैम्प कॉटन का, उसे ढक के रख दूँगी थोड़ा देर रेस्ट के लिए। और यहाँ मेरी सौंठ बन के रेडी हो गई है। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आ रहा है। और अभी ये एक उबाल आ चुका है, मैं इसे सिमर में रख के थोड़ा सा गाढ़ा होने दूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया कंसिस्टेंसी, मेरी सौंठ भी रेडी है। और यहाँ मैं कचौड़ियों की स्टफिंग के लिए एक कढ़ाई गरम करके उसमें मैंने ली है सौंफ और साबुत धनिया, थोड़े से जीरा, और यहाँ मैं लाल मिर्च एक ले रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च। और आप थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च ले सकते हैं, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं थोड़ा मिर्ची कम यूज़ करती हूँ हमेशा की तरह। और यहाँ मैंने उसे हल्का सा रोस्ट करके यहाँ मिक्सी में मतलब दरदरा क्रस्ट पीस लिया है, इतना ही दरदरा रखना है। और यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें ऑयल ऐड करा है, उसमें मैं ये जो क्रस्ट मसाले हैं ऐड करूँगी। और यहाँ मैं जब घूमने गई थी रथ यात्रा के लिए तो मैं भिगो के चली गई थी मूंग दाल, और करीब 2 घंटे हो गए हैं। और यहाँ मैं इन सबको मिक्सी में एकदम दरदरा पीसूँगी। दरदरा पीसने के बाद इस मिक्सचर को मैं ऐड करूँगी उसी मसालों में और अच्छे से भून लूँगी इसका पानी सूखने तक। और इसका पानी सूख चुका है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे करीब 3 से 4 चम्मच बेसन। बेसन मिलाने के बाद हम लोग दोबारा से इसे भूनेंगे ताकि ये जो कच्चा बेसन है थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने बेसन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए मेरा बेसन भुनने के बाद कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आ रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ, ये इसमें बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देता है। और यहाँ मेरी ये जो कचौड़ी की स्टफिंग है बन के रेडी है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया हुआ है। और कभी आप इस मसाले को टेस्ट कीजिएगा, ये बहुत बढ़िया खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है। और कचौड़ी बनाने के लिए मैं इसे अभी से ही एक गोला बना के रख लूँगी ताकि जब कचौड़ी के अंदर स्टफिंग डालूँ तो ये मुझे इधर उधर फैले नहीं, आराम से मुझे एक बॉल बस अंदर रखना है और कचौड़ियों को आसानी से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए मैंने इतनी देर में सारी बॉल्स बना के रख दी है। और यहाँ मैं एक एक छोटी छोटी लुई, मतलब अपने हिसाब से आप कचौड़ियाँ बना सकते हैं, मैं एक मीडियम साइज़ की लुई बना रही हूँ जिसमें एक मीडियम साइज़ की कचौड़ी बनेगी। और यहाँ मैं एक मीडियम साइज़ की लोई लेके उसे एक अंदर से दबा दबा के एक खोला जैसा बना रही हूँ जिसके अंदर मैं स्टफिंग डालूँगी और दोबारा से उसे कवर करके उसे बीच से प्रेस करते हुए बाहर की ओर प्रेस करूँगी। याद रखिए हमें अंदर बीच में से अंदर की ओर प्रेस करके रखना है ताकि जब भी हम कचौड़ियाँ तलें तो वो एकदम फुली फुली कचौड़ियाँ बने। ये एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, बहुत लोगों को पता नहीं होती। जब हम कचौड़ियाँ बनाते हैं तो हाथ से ना हाथ के तलवे से पपली जो बोलते हैं उसी से हम लोग अंदर की ओर प्रेस करके रखेंगे, इससे कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया फूलती है। और यहाँ मैं कितनी सारी कचौड़ियाँ बना के रख दे रही हूँ। अभी मैं तेल गरम करूँगी, गरम मतलब कचौड़ियों को हमें एकदम गुनगुने गरम तेल में डालना है। ये देखिए जैसे वो एकदम नीचे चला जाए उतना ही गरम तेल में हमें डालना है ताकि वो धीरे धीरे फूलते हुए ऊपर आएगी दोबारा से। ये देखिए कचौड़ियाँ धीरे धीरे ऊपर आ चुकी हैं फूलते फूलते, और कितनी बढ़िया फूली हैं भी देखिए। और यहाँ मेरी कचौड़ियाँ एक साइड से बन चुकी है, अभी मैं इन सबको पलट लूँगी ताकि वो दूसरे साइड से भी तलती रहे। और यहाँ मेरी कचौड़ियाँ बनके कितनी बढ़िया कलर आई है, एकदम बनके रेडी है। अभी मैं सारे कचौड़ियों को एक एक करके निकाल लूँगी।
एंड आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया कचौड़िया, फुली फुली कचौड़िया बन के रेडी है और बहुत ज़्यादा खस्ते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है कचौड़िया, आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए। देखिए कितना बढ़िया कलर, और मुझे तो बहुत पसंद है, कितना बढ़िया बना भी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फाइनली कचौड़िया बन चुकी है और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ गुजिया की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैं थोड़ी सी सूजी ऐड कर रही हूँ, हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कद्दूकस किए हुए नारियल, उसे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैं इनमें ऐड करूँगी थोड़े से कुटे हुए मतलब क्रश्ड किए हुए काजू ऐड कर रही हूँ, और यहाँ मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने हिसाब से ज़्यादा मीठा या फिर कम मीठा कर सकते हैं, मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करके हमें इसमें थोड़ी देर के लिए भूनना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मतलब 2-4 काली मिर्च और 2-4 इलायची कूट के ऐड कर रही हूँ, और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा खोआ। खोआ ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसका कलर थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने को आएगा, तभी हमारी स्टफिंग एकदम रेडी हो जाएगी। और हमारी स्टफिंग रेडी है और गुजिया बनाने के लिए मैं भी रेडी हूँ। गुजिया बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की लोई मुझे लेनी है, उसे मुझे पतला सा बेलना है, और पतला सा बेलने के बाद मुझे उस एक गुजिया का जो सांचा है उसी सांचे में उस पतली सी पूरी को डाल के उसमें मैं स्टफिंग ऐड करूँगी, और उसके किनारों में मैं पानी थोड़ा सा लगाऊँगी ताकि मेरी जो लोई ताकि मेरा जो आटा है ना मतलब गुजिया बनते टाइम खुलेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे दबा के उसी सांचे के हिसाब से बाकी जो एक्स्ट्रा आटा है मैं निकाल लूँगी। और ये बढ़िया बढ़िया सी गुजिया हमारी रेडी है तलने के लिए। इसी तरह से मैं एक एक करके सारी गुजिया के सांचे के हिसाब से मैं सारी गुजिया बना लूँगी स्टफिंग ऐड करके। और यहाँ गुजिया मेरी रेडी है, किनारों को मैं एक बार दोबारा से दबा दूँगी क्योंकि भरोसा नहीं है, पिछली बार मैंने एक बार ट्राई किया हुआ था गुजिया तो मेरी सारी गुजिया खुल गई थी, इस बार मुझे बहुत ध्यान दे के बनाना पड़ रहा है, तो मैं किनारों को अच्छे तरह से दबा रही हूँ। और यहाँ मैंने सारी गुजियाओं को ऑयल में डाल रखा है। गुजिया बनाने के लिए भी ऑयल को हमें बस हल्का सा गुनगुना रखना है, उसी में ही हमें गुजिया डालनी है। और यहाँ गुजिया फूलते हुए ऊपर आ चुकी हैं और बहुत जल्दी बनने वाली है, और देखिए यहाँ मेरे गुजिया एकदम हल्का सा ब्राउन होने तक हमें पकाना है, और गुजिया रेडी है। और मैं सारी गुजिया को एक एक करके जल्दी से निकाल लूँगी, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में तो इतनी खुशी है, मतलब सब बहुत खुश हैं, मतलब त्योहारों का दिन ऐसे ही है और सब लोग खुशी से बोलते हैं कि कुछ कुछ बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे बना के खिलाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा अटेम्प्ट जो है ना बहुत बढ़िया बना है, तो सेटिस्फेक्शन अच्छा लगा, और जब सब लोग खा के बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बना है तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। और यहाँ इतने तक ख़त्म नहीं, दोबारा से मैंने गुजिया लगा ली है, उसके बाद मतलब बारी बारी करके गुजिया और कचौड़ी में बनाती जाऊँगी। आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।